हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नीरज चोपड़ा के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो ऐसे सेकेंड इंडियन एथलीट बन गए आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्ज टू ग्रैब अ मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स, आज का जेवलिन इवेंट था, उसमें ग्रेनेडा की जो एथलीट है एंडरसन पीटर्स, वो गोल्ड मेडल लेके गए। देन बाद में सिल्वर मेडल हमारे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विद द थ्रो ऑफ 88.13 मीटर्स। बाद में जैकब वेडलिच वो ब्रॉन्ज मेडल लेके गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा ये जेवलिन इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारे एक और इंडियन एथलीट रोहित यादव भी थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं ये आपके सामने मेंस जेवलिन थ्रो का फाइनल इवेंट है। इसके अंदर सबसे पहले एंडरसन पीटर्स, इनका बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा, बिकॉज इन्होंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में 90.21 मीटर का थ्रो फेंका। मैं तो चौंक गया था इनका पहला थ्रो देखते ही। फिर सेकंड थ्रो में भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ आज इनका इतना अच्छा दिन कैसे, 90.46 मीटर का इन्होंने थ्रो किया। फिर बाद में थर्ड अटैम्प्ट 87.21, देन फोर्थ 88.11 मीटर्स का, देन फिफ्थ 85.83 मीटर्स, और उनका लास्ट जो सिक्स थ्रो था वो सबसे बेस्ट थ्रो था 90.54 मीटर्स का। देन नीरज चोपड़ा का मैं फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं देख पाया, वो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। तो सेकेंड अटैम्प्ट मैंने देखा, बट फर्स्ट अटैम्प्ट नीरज चोपड़ा का फाउल अटैम्प्ट था। फिर सेकेंड अटैम्प्ट 82.39 मीटर्स, देन थर्ड अटैम्प्ट उनका थोड़ा अच्छा गया, फॉर्म में ऐसा लगा कि आ रहे हैं, 86.37 मीटर। देन फोर्थ थ्रो उनका सबसे बेस्ट थ्रो था 88.13 मीटर्स। मुझे लगा कि 90 अप गया, बट इट वाजंट, इट वाज 88.13 मीटर। देन फिफ्थ थ्रो ये फाउल थ्रो था, देन सिक्स्थ वन ये भी फाउल थ्रो था। तो फ्रेंड्स, सिल्वर मेडल लेके आए हमारे नीरज चोपड़ा। देन जैकब वेडलिच ये थर्ड पोजिशन आए और ब्रॉन्ज मेडल लेके गए। उनका फर्स्ट थ्रो 85.52, सेकेंड 87.23, और थर्ड 88.09 मीटर्स, जो कि सबसे बेस्ट था इन द सिक्स्थ अटेम्प्ट। और फोर्थ थ्रो इनका 83.48 मीटर, देन फिफ्थ थ्रो 81.31 मीटर्स, और लास्ट थ्रो 82.88 मीटर्स। तो इसी वजह से जैकब वेडलिच ब्रॉन्ज मेडल लेके गए। देख सकते हैं नीरज चोपड़ा एंड जैकब वेडलिच का जो कंपेरिजन है सिल्वर और ब्रॉन्ज के बीच, वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का लगता है। देन जूलियन वेबर फोर्थ पोजीशन आए विद द थ्रो ऑफ 86.86 मीटर। देन अरशद नदीम पाकिस्तानी एथलीट 86.16 मीटर विद द सीजन बेस्ट। लासी अल्टालो 82.70 मीटर्स का, एंड्रियन मार्डर 82.26 मीटर, ओलिवर हेलेंडर 82.24 मीटर्स का थ्रो बेस्ट था उनका। देन रोड्रिक गेनकी 80.69 मीटर, और रोहित यादव की बात करें जो हमारे इंडियन एथलीट है, 78.72 मीटर्स का उन्होंने थ्रो किया। वो लास्ट वो अपना फर्स्ट थ्री में उनका अच्छा थ्रो इतना तो कर नहीं पाए ताकि वो टॉप एट के लिए क्वालिफाई कर। देख सकते हो उन्होंने 78.72 मीटर्स का थ्रो किया, अगर वो 80+ करते 81-82 का तो शायद वो टॉप एट में आते और उनको 3 और चांस मिलता अपना टैलेंट दिखाने के लिए और मेडल की बाजी में रेस बरकरार रखने के लिए। देन कर्टिस थॉम्सन ये 11th फिनिश किए और 12th फिनिश किए, यह 75.99 मीटर्स। सो अब फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे नीरज चोपड़ा सेकेंड एथलीट बन गए आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्ज टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, और ये इंडिया का पहला सिल्वर मेडल है। और इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि हमारी इंडिया की लॉन्ग जंपर है, लेजेंडरी लॉन्ग जंपर है, उनके नाम सिर्फ एक ही मेडल था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, सिर्फ इंडिया के पास सिर्फ एक ही मेडल था। अब दो मेडल हो गया है, 1 ब्रॉन्ज एंड 1 सिल्वर ऑफ नीरज चोपड़ा। सो गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन देन प्लीज पुट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल कमिंग विद द मोर अपडेट्स ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स। सो गाइस, कीप वॉचिंग Run till death as always.